नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वीकी न्यूज़। सो गाइस, कल यानी 2 नवंबर को शाहरुख खान ने अपने बर्थडे के दिन फैंस को अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान के टीजर का गिफ्ट दिया। बता दूं कि फैंस उनकी इस फिल्म का काफी टाइम से वेट कर रहे थे। अब अगर मैं पठान के टीजर की बात करूं तो ये टीजर काफी बढ़िया था। इसमें हाई ऑक्टेन एक्शन था, VFX से एंड दीपिका का सिजलिंग अवतार भी था। नो डाउट के पठान एक एक्शन पैक्ड फिल्म होने वाली है, पर अगर मैं इसके VFX की बात करूं तो इसका VFX मुझे हल्का लगा, पर जिस कन्विक्शन के साथ दिखाया वो बढ़िया था। बिकॉज VFX तो KGF 2 का भी मुझे हल्का लगा था, पर मेकर्स ने उसे जिस कन्विक्शन के साथ दिखाया वो देखकर मजा आया था। सेम वही चीज़ मुझे पठान गेट टीजर के साथ भी फील हुई। अब देखो, इसके टीजर में काफ़ी हद तक स्टोरी रिवील कर दी गई, जिससे मुझे कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं है, बिकॉज शाहरुख खान की फिल्म है तो इतनी छूट तो मैं दे ही सकता हूँ। अब ये तो हो गई मेरी बात, पर ऑडियंस का बड़ा मिक्स रिएक्शन निकल कर आ रहा है। फैंस इस टीजर को कॉपी पेस्ट बता रहे हैं। फैंस ने 1 मिनट और 25 सेकंड में दिखाए हर एक सीन की पोल खोल कर रख दी है, जिससे ये बात साबित हो गई है कि इस फिल्म में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, बल्कि दूसरी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों का कॉपी पेस्ट है। टीजर रिलीज होने के बाद ट्विटर पर लोगों ने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को लताड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने दावा किया कि पठान में दिखाए गए अधिकतर सीन वॉर, टाइगर, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर जैसी हिट फिल्मों से कॉपी पेस्ट किए गए हैं। साथ ही यूजर्स ने कहा कि शाहरुख खान और उनके फैंस इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। मिसाल के तौर पर आप पठान का ये वाला सीन ही ले लो। रूसो ब्रदर्स की कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर तो आपने देखी होगी। अब लोगों ने पठान में जॉन इब्राहिम की एंट्री क्रिस इवांस और स्कारलेट जॉनसन स्टारर सेबेस्टियन स्टेन के बकी बांस के समान बताई है, और अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक ये दोनों सीन्स एक जैसे लगते हैं। चलो अब इस वाले सीन की बात करते हैं। सिद्धार्थ आनंद की 2019 की फिल्म वॉर आई थी, अब उसी के कुछ सीन्स को उन्होंने पठान में कॉपी कर लिया, जिसे देखने के बाद एक फैन ने कहा पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। यूजर्स ने दोनों फिल्मों में गाने से लेकर एक्शन सीन तक सभी की तस्वीर शेयर कर मेकर्स की पोल खोली है। शाहरुख खान की पठान का एक सीन प्रवास की साहो से भी लिया गया है। टीजर में शाहरुख का जेट पैक के साथ आसमान पर ले जाने वाला सीन साहो की सस्ती कॉपी से कम नहीं है। जेट पैक के साथ दोनों स्टार्स की तस्वीरें शेयर करते हुए यूजर ने लिखा साहो पठान से बेहतर लग रहा है। अब आप लोगों की क्या राय है कि पठान का टीजर सच में एक कॉपी है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और बीटाउन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।